वेरी गुड क्लॉक डियर स्टूडेंट, चेयर एम निकिता मैम, योर ज्योग्राफी टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, सो येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. सो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स लिस्टेड अबव, फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओके, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द कंडीशंस अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ओवर ऑल द वर्ल्ड. सम ऑफ द मोर कॉमन टाइप्स आर डिस्क्राइब बिलो. फर्स्ट वी हैव शिफ्टिंग फार्मिंग. ओके, सो वेन द पीपल स्टार्टेड सेटलिंग एंड वेन पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दे स्टार्टेड इट विद शिफ्टिंग फार्मिंग. ओके, वॉट इज शिफ्टिंग फार्मिंग? एज आई टोल्ड यू दैट अर्लियर मैन वर नोमैडिक ट्राइब्स, देवर हंटर एंड गैदरर्स, सो दे यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो शिफ्टिंग फार्मिंग एज द नेम सजेस्ट रेफर्स टू फार्मिंग वेल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, so this is one of the most primitive, as I told that it's the ancient method of farming. It was usually practiced in heavily forested regions. People used to clear the land or prepare the field for farming. Earlier barren fields were not available, or means blank lands were not available for agriculture, or people didn't even know about what is agriculture, as they used to live in forest. So they used to clear down the lands of the forest or patches of the forest by burning them. Then the ashes from the burned trees were added to the soil for the fertility. Okay, पहले लोग जो हैं एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को जलाकर उसमें से टुकड़ा साफ करते थे, और जो उनके ऐशेस बचते थे वो मिट्टी में या सॉइल में ऐड कर देते थे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती थी. दिस पैच ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड टिल इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, और इस लैंड पर तब तक खेती की जाती थी जब तक कि इसकी फर्टिलिटी लूज ना हो जाए या कम ना हो जाए. देन दे यूज टू शिफ्ट टू अनदर लैंड, और इसको वो खाली छोड़ देते थे ताकि इसकी जो फर्टिलिटी है वो फिर से प्रोड्यूस हो जाए. दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते थे, क्योंकि इसमें जो लैंड प्रिपेयर होता था वो फॉरेस्ट को काट कर और जला कर प्रिपेयर किया जाता था. इन इंडिया इट्स प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स. अभी भी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं, वहाँ पर ये इस तरह का कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे झूम कल्टिवेशन कहते हैं. ओके, एंड इट्स ऑल्सो प्रैक्टिस इन द अमेजोन बेसिन एंड इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. अमेजोन बेसिन भी ट्राइब्स का ही मेन रीजन है. ओके, एंड फॉरेस्ट रीजन है. राइस, मेज, कसावा, इसके जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, मेज, कसावा. अफ्रीका में ग्रो करने वाली एक पोटैटो टाइप की क्रॉप होती है, एंड टेपियोका, सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस वे. एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन हैज़ बीन associated with the widespread destruction of rainforest and tropical forest. और क्योंकि ये जो cultivation है वो forest को जला कर किया जाता है, तो इसलिए इसके करने से widespread rainforest और tropical forest का destruction, यानी कि नुकसान होता है. Here you can see कि किस तरीके से forest के बीच में एक patch जो है उन्होंने जलाया हुआ है, and this is now blank. Okay, नाउ सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विद द फार्मर प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ क्रॉप टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीने के लिए. ओके, सो इस टाइप की फार्मिंग में जो फार्मर होता है वो ओनली एक स्मॉल प्लॉट पर, यानी छोटे से एरिया पर फार्मिंग करता है, जिससे केवल उसकी हाउस होल्ड नीड्स पूरी हो जाए, यानी फैमिली नीड्स कम्प्लीट हो जाए. यूजली देर इज़ नॉट इनफ प्रोड्यूस लेफ्ट ओवर फॉर सेल, बेचने के लिए कोई भी प्रोड्यूस उसके पास नहीं रह जाता है. द फार्मर यूजेस सिंपल टूल्स का यूज़ करता है, हाथ से खेती करता है, वुडन प्लो और प्लोइंग द लैंड, सिकल फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, काटने के लिए, मतलब जो एंशियंट टाइप के टूल्स होते हैं उन्हीं का यूज़ करता है. और केमिकल फर्टिलाइज़र, हाई यील्डिंग सीड्स, इनका यूज़ जो है बिल्कुल मिनिमम होता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता इनको खरीदना. ओके, इट्स प्रैक्टिस्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका. इंडिया और अफ्रीका के बड़े पार्ट्स में ये फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. ओके, जहाँ पर लोग सिर्फ अपनी फैमिली के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना. इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्लॉट्स आर स्मॉल, लेकिन फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर एंड हाई क्वालिटी सीड्स टू गेट मैक्सिमम यील्ड आउट ऑफ द स्मॉल प्लॉट. जहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की वजह से स्पेस कम होता है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पर प्लॉट्स तो स्मॉल होते हैं, बट ड्यू टू द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स लाइक फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स,
इनकी वजह से स्मॉल प्लॉट्स पर ही मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड यानी कि क्रॉप्स हमें मिलती हैं. ओके, एंड इरिगेशन इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड वेयर नेसेसरी. और यहाँ पर इरिगेशन भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ किया जाता है. और जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है, मतलब फैमिली के लिए निकालने के बाद जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है, जो बचा हुआ होता है, वो प्रॉफिट के लिए बेच दिया जाता है मार्केट में. ओके, दर इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है? साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पर फार्म्स जो हैं स्मॉल होते हैं ड्यू टू द डेंस पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से. येट यील्ड्स आर हाई, लेकिन यील्ड्स जो हैं वो हाई होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल और फर्टाइल सॉइल भी होती हैं. ओके, जो मेन क्रॉप है इस तरीके से उगाने वाली वो है हमारी राइस. ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिव या कमर्शियल फार्मिंग. ये क्या होती है? सो एक्सटेंसिव या कमर्शियल, एज द नेम सजेस्ट, एक्सटेंसिव यानी ऑन अ लार्ज स्केल, और कमर्शियल यानी ओनली डेडिकेटेड टू मेकिंग प्रॉफिट. ओके, एक्सटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग इज़ कैरेक्टराइज बाई ह्यूज फार्म साइज. इसमें फार्म साइज काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं लाइक फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्निक्स होती है, मशीनरी, इरिगेशन. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और क्रॉप्स जो है बहुत बड़े स्केल पर उगाई जाती हैं विद द सोल पर्पज़ ऑफ सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट. और इनका पर्पज़ क्या होता है? ओनली अर्निंग प्रॉफिट, मतलब ये लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बल्कि मार्केट में सेल करने के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. द फार्म्स आर मॉडर्नाइज्ड एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड यूजिंग मशीन्स. ऑब्वियसली जो फार्म्स होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं इसलिए मॉडर्नाइज्ड होते हैं और मशीन्स से इनमें काम होता है. द प्रोड्यूस्ड इज इमिडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट्स और टू कोल्ड स्टोरेज. जो भी जब क्रॉप का हार्वेस्टिंग होती है, जब उसको काटा जाता है, तो तुरंत जो प्रोड्यूस है वो या तो मार्केट्स में सेल करने के लिए, अदरवाइज कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है. नाउ वीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स. मेन क्रॉप्स क्या हैं? वीट एंड मेज. ओके, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स रैंचिंग. इसमें रैंचिंग भी इंक्लूड होती है. वॉट इज़ रैंचिंग? इट्स रेफर्स टू रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ऑन वेरी लार्ज फार्म्स, मतलब कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए लाइफ स्टॉक यानी कि जो आपके गोट होते हैं, शीप होते हैं, जो भी डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स होते हैं उनको पालना. ओके, नाउ लास्ट इज वी हैव प्लांटेशन फार्मिंग. वॉट इज प्लांटेशन? प्लांटेशन आर लार्ज फार्म्स. प्लांटेशन यानी बागान. ओके, तो बड़े बड़े बागान होते हैं, लार्ज फार्म्स होते हैं जहाँ पे यूजुअली सिर्फ एक क्रॉप उगाई जाती है, वन क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड एंड इट्स ऑल्सो कमर्शियल इन नेचर. और वो जो क्रॉप होती है वो मार्केट में बेचने के पर्पज़ से होती है, वेयर द प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट. एंड प्लांटेशन आर कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज़. कहाँ पर कॉमन होते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल दोनों हाई होती है. इन एडिशन टू अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्लांटेशंस में कैपिटल यानी कि पैसे का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. ओके, क्योंकि वहाँ पर हाई मशीन्स चाहिए होती हैं, हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है काम करने के लिए, एज इट टेक्स अ लीस्ट 3 to 4 years फॉर द क्रॉप्स टू मेच्योर. और प्लांटेशंस में उगने वाली क्रॉप्स को मेच्योर होने के लिए यानी पकने के लिए 3 to 4 years का टाइम लगता है. तब तक प्लांटेशन के ओनर को वेट करना पड़ता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए. लेकिन जो प्रॉफिट्स स्टार्ट होते हैं तो दे आर यूजुअली हाई. एंड कॉमन प्लांटेशन क्रॉप्स क्या क्या है? रबर, कॉटन, कॉफ़ी, टी, कोको, शुगर केन एंड ऑयल पाम्स. ओके, सो दीज आर ओनली ग्रोन फॉर सेलिंग इन द मार्केट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.